हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो होनिस्टा V6.1 ट्यूटोरियल वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से फीचर्स को ऐड किए गए हैं, किन किन बग्स को फिक्स किया गया है एंड इसको अपडेट कैसे करना है, हिडन मेंशन कैसे देखना है जो कि अब हिडन मेंशन इसमें ऐड कर दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको हिडन मेंशन चेक करवा देता हूँ, फिर हम अब वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से मैं एक स्टोरी क्रिएट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं मेंशन खुद को ही कर देता हूँ अपने दोनों आईडीज़ को एंड इसको मैं हाइड कर देता हूँ। एक और आईडी है, इसको भी मैं मेंशन कर देता हूँ एंड इसको मैं हाइड कर देता हूँ एंड मैं इसको स्टोरी लगा के एंड आपको चेक करवा देता हूँ कि हमारा हिडन मेंशन वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हिडन मेंशन देखने के लिए आपको सबसे पहले तो इस पर क्लिक करना है यहाँ पे मैजिक बटन पे। जैसे ही आप मैजिक बटन पे क्लिक करोगे फिर आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मेंशन लिस्ट का, आपको मेंशन लिस्ट पे क्लिक करना है। सॉरी, मेरा यहाँ पे स्टोरी यहाँ पे कट हो गया। मैं मेंशन लिस्ट पे जैसे ही क्लिक करूँगा आपके सामने यहाँ पे दोनों आईडी शो हो जाएंगे। मैं जिस आईडी पे आप क्लिक करोगे आप डायरेक्ट उस आईडी पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो यहाँ से मेरा बार बार स्टोरी बैक हो जा रहा है, मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ एंड नाउ आप देख सकते हो कि मेरे को उस आईडी पे ये रीडायरेक्ट कर दिया। तो चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हो एक्सप्लोर टेक यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड आपके फैमिली में भी सभी लोग अच्छे होंगे। तो अब मैं बताता हूँ कि आप इसमें फॉन्ट कैसे ऐड कर सकते हो। तो फॉन्ट डाउनलोड करने के लिए डाउनलोडिंग लिंक आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल गया होगा। टेलीग्राम पर जैसे ही आप आओगे, एक सेकेंड में आपको सब कुछ यहाँ पर शो करवा देता हूँ। एंड जैसे ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आओगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपके सामने एक इधर ऑप्शन देखने को मिलेगा iOS फॉन्ट। अभी ट्यूटोरियल वीडियो मैं बना रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे लिंक ऐड नहीं किया है। तो आपको सिंपली इस फॉन्ट वाले पे क्लिक करना है, फिर आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक जेड आर्चीवर आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। फिर आपको जेड आर्चीवर पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा iOS फॉन्ट्स का, इसमें कोई भी पासवर्ड वगैरह नहीं है तो इसे पासवर्ड नहीं मांगा। फिर आपके सामने ये छः फॉन्ट्स आए होंगे, आपको इन छः फॉन्ट्स को यहाँ पे क्लिक करना है जहाँ पे ए लिख रहा है। एक सेकंड में आपको फिर से मार्क करके दिखाता हूँ, जहाँ पे ए लिखा है ना आप वहाँ पर टच करोगे तो ये आपका सेलेक्ट होते चला जाएगा। तो यहाँ पर वाइट बना है, मैं उसको सिलेक्ट आपको सेलेक्ट करना है, फिर लॉन्ग प्रेस करना है। आपके सामने एक इधर ऑप्शन आएगा कॉपी का, आपको इधर कॉपी पे क्लिक करना है। जैसे आप कॉपी पे क्लिक करोगे आपको बैक अपने होम पेज पे आ जाना है और फिर यहाँ पे एक यहाँ पे पेस्ट का आइकन दिख रहा है, इस पेस्ट वाले पे क्लिक करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना। फिर आप देख सकते हो कि सारे फॉन्ट्स हैं वो हमारे बाहर आ चुके हैं। फिर आपको अपने होनिस्टा एप्लीकेशन पर आ जाना है एंड जैसे आप अपने होनिस्टा एप्लीकेशन पर आते हो फिर आपको इधर एक सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस सेटिंग वाले पे क्लिक करना है। फिर आपको थीम एंड यूआई पे जाना है। जैसे ही आप अपने थीम एंड यूआई पे आ जाते हो फिर नीचे आपको सामने फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑप्शन दिखता है इमोजी टाइप, ऐप फॉन्ट एंड स्टोरी बैकग्राउंड एंड ऐड स्टोरी फॉन्ट। तो इन चारों में आपको सबसे पहले जो फर्स्ट वाला है इस पर क्लिक करना है एंड iOS 60 इमोजी पैक जो सबसे फर्स्ट वाला है इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सिलेक्ट करोगे आपका डाउनलोड होगा, मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है तो यहाँ पे ओके कर देता हूँ मैं। सेकंड वाले पे भी वैसे ही करना है, आपको सेकंड वाले पे भी क्लिक करना है एंड फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लेना है iOS इमोजी 60 पैक एंड यहाँ पे स्टोरी फॉन्ट बैकग्राउंड। तो आपको इनमें से जो भी बैकग्राउंड अच्छा लगता है आपको वो वाला बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है। मेरे को यह मीमी वाला बैकग्राउंड अच्छा लगता है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर रखा है। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे रीस्टार्ट टाइप करने को बोल रहा है, क्योंकि आप कोई भी फॉन्ट, कोई भी कमांड, कोई भी सेटिंग ऑन करते हो तो यहाँ पे आपको ये रीडायरेक्ट करने को बोलता है। एंड अब बचा ऐड स्टोरी फॉन्ट का, तो आपको इस पर क्लिक करना है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये वाला सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप ये वाला सिलेक्ट करोगे ओके करना है, फिर से आपको क्लिक करना है ऐड स्टोरी फॉन्ट पे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फ्रॉम लोकल स्टोरेज का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपको इसको यहाँ पे या फिर आप इधर थ्री डॉट दिख रहा है यहाँ पे भी आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, फिर आपको इधर एक जेड आर्चीवर दिखेगा या फिर आप अपना फाइल मैनेजर भी यूज़ कर सकते हो। मैं जेड आर्चीवर सजेस्ट करूँगा, ये बहुत ईजी है यूज़ करना। थोड़ा सा स्क्रॉल करना है फिर आपको सारे फॉन्ट्स यहाँ पे दिख जाएगा। फिर से आपको सेम वही काम करना है, वाइट वाले पे क्लिक करना है जिससे कि सारे फॉन्ट्स आप एक बार अप्लाई कर पाओ। जैसे आप सारे फॉन्ट्स को टिक कर दो आपके सामने एक इधर टिक मार्क दिख रहा होगा, आपको इस टिक मार्क पे क्लिक करना है एंड इधर ओके कर देना है। सारे फॉन्ट्स आपके वन क्लिक पे ऐड हो गए होंगे। देन नाउ आपको एक और सेटिंग्स ऑन करनी है जिससे कि आप iOS की तरह रीशेयर कर पाओ एंड iOS की तरह रील लगा पाओ एंड iOS की तरह स्टोरी मेंशन कर पाओ। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ऊपर एक सेटिंग दिख रहा है आपको इस सेटिंग पे क्लिक करना है।
फिर आपके सामने एक ऑप्शन दिखेगा इंस्टाग्राम सीक्रेट ऑप्शन का। अगर आपके उस पर आपको इसके ऊपर फुल ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर फुल ट्यूटोरियल वीडियो बना दूंगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे फिर आपको इधर सर्च करना है डेवलपर सेटिंग। जैसे आप डेवलपर सर्च करोगे ये आपका वाइट होगा, आपको इसको इनेबल करके ग्रीन कर देना है। जैसे आप इसको ग्रीन करते हो आपको बैक आना है एंड इधर होम स्क्रीन होम जो बटन है आइकन है इसको लॉन्ग प्रेस करना है जिससे कि आप डेवलपर ऑप्शन में शिफ्ट हो जाओ। अभी नहीं हुआ होगा डेवलपर ऑप्शन में शिफ्ट, आपके सामने एक इधर ऑप्शन आएगा गो टू डेवलपर पेज का, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर इधर आपको क्लिक करना है मेटा कॉन्फिग सेटिंग्स एंड ओवरडीएस का। जैसे आप इधर क्लिक करोगे एंड आपका फर्स्ट कमांड होता है क्लिप्स वीडियो स्टिकर का, जिससे कि आप iOS की तरह रील लगा पाओ। एंड अगर आपका स्टोरी स्टक हो जाता है तो मैं आपको एक कमांड बता रखा हूँ, मतलब एक वीडियो बना रखा हूँ कि आप उसको फिक्स कैसे करोगे, तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके उस वीडियो को चेकआउट कर लेना। फिर आपको इधर सर्च करना है मेंशन का। जैसे आप इधर मेंशन सर्च करोगे फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका डिसेबल होगा, इसको भी आपको इनेबल कर देना है। एंड अगर iOS इमोजीज वगैरह यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट करना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। देन नाउ मैं आपको एक रील लगा के चेक करवाता हूँ, तो इधर से मैं रील को शेयर करता हूँ एंड एक सेकंड और ऐड टू योर स्टोरी करता हूँ, तो देख सकते हो कि बिल्कुल iOS की तरह राउंडेज में हमारा रील लग रहा है। एंड मैं अब आपको स्टोरी का फॉन्ट्स वगैरह भी चेक करवा दूँ, तो इधर से मैंने ले लिए हेलो या फिर मैं एक सेकंड स्पॉइलर टैग टाइप कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे मैंने इमोजी ले लिए एंड सारे फॉन्ट्स पर आप देख सकते हो iOS इमोजीज वर्क कर रहे हैं एंड सारे फॉन्ट्स इसमें ऐड भी हो चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो। एंड अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ यहाँ पे, अब मैं आपको डाउनलोड करना बता देता हूँ कि आपको इसको डाउनलोड कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आप मेरे लिंक से डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करके मोर वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ पर आपके सामने एक इधर ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड लिंक का, आपको इस डाउनलोड लिंक पर क्लिक करना है। फिर अगर देखो डाउनलोड करने के सबसे इजी मेथड है, आप इधर थ्री डॉट पे क्लिक कर लो। एक बार थ्री डॉट पे क्लिक करोगे फिर आपके सामने इधर ओपन इन क्रोम का एक बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करके क्रोम पे रिडायरेक्ट हो जाना है। फिर आपको इधर सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करना है, क्योंकि आपको वेरीफाइड करना पड़ेगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। तो इधर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आपको इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। फिर बैक करके वापस यहाँ पे आना, फिर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा गेट लिंक का, आप इस पर क्लिक करना एंड इसको इंस्टॉल कर लेना। यहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना एंड डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप @spoilertech इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं डायरेक्ट डाउनलोड लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा या फिर टेलीग्राम पे इसको मैं अपलोड कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, 101% मैं उसका सलूशन दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।